हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फजल मलिक एंड आई एम फ्रॉम ड्रीम्स एंड लॉ। तो स्टूडेंट, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अगर पढ़ाई अभी भी नहीं चली तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में होने वाले हैं पेपर। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फिजिक्स के अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक होता क्या है। हमने प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन पढ़ चुके थे, उसमें हम कई चीजें पढ़ चुके थे। उसी के आगे हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, वह है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीजें होती क्या है, तो आप आसानी से अभी इसमें समझेंगे। इस वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक, आपने अपवर्तन तो पढ़ाई था, मैंने आपको अपवर्तन पढ़ाया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन बताया था ना। तो जब हम ये जानते हैं कि प्रकाश भाई चल रहे हैं, ठीक है, विरल माध्यम में चल रहे हैं यानी कि वायु में चल रहे हैं। वायु कैसी है? विरल है, यानी कि उसमें जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है। भाई अगर हम हाईवे पे बाइक चलाएंगे या कार चलाएंगे, हाईवे पे कोई ना हो तो क्या करेंगे? हम तेज चलाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है भाई, आ गया कोई चौराहा जहां पर ढेर सारे लोग हैं, बाजार आ गया, हमें क्या किया भाई, रोकना पड़ गया, धीरे करनी पड़ गई। तो आप यही समझ सकते हैं कि जो हमारा हाईवे था जहां हम गाड़ी तेज चला रहे थे, वो कैसा माध्यम था? वो विरल माध्यम था। लेकिन जैसे ही एक बाजार आई जहां पे हमको गाड़ी स्लो करनी पड़ी, वो कैसा माध्यम हो गया? वो हो गया हमारा सघन माध्यम, यानी कि जैसे कि उसके पार्टिकल्स क्या है, करीब करीब हमको स्लो जाना पड़ रहा है। उसी प्रकार से जब प्रकाश क्या करता है, विरल माध्यम में चलता है, तो उसकी गति कुछ और रहती है। लेकिन जैसे ही वो कांच, मान लिया हमने कांच है, कांच में क्या होता है, पार्टिकल्स एकदम करीब करीब होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या है, ये हमारा एक कांच है। ठीक है, ये हमारा एक कांच है। अभी भाई क्या हो रहा था, प्रकाश जब यहां से आ रहा था, ठीक है, प्रकाश कहीं से आया, यहां पर आया। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां तो तेजी से एकदम स्पीड में आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो कांच के अंदर आया, उसमें क्या हो गई, उसकी जो स्पीड हो गई वो हमारी स्लो हो गई। ठीक, उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। जब उसकी स्पीड स्लो हो गई है, अब क्या करेगा, वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन जैसे ही वो क्या किया, अब उसने सघन माध्यम को पार किया, उसकी स्पीड फिर से क्या हो गई, फिर से तेज हो गई और स्पीड में निकल गया। यानी कि भाई हाईवे से हम क्या बाजार क्रॉस कर चुके हैं, अब हम स्पीड से तेजी से फिर चले जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो उसकी चाल, उसकी गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। किसका? प्रकाश का अपवर्तनांक। ओके स्टूडेंट, आप इसको एक डिफिनेशन समझ सकते हैं कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात, जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा, भाई अपेक्षा है ना कि भाई इसके माध्यम में इसकी अपेक्षा क्या है, स्लो चल रहा है, तो अपेक्षा तीव्र या यदि अपवर्तन के दौरान आई, भाई हमारा जो आपतन कोण होता है, इसे क्या है भाई, आपतित किरण है, किस पे किरण हो रही है भाई, कांच है एकदम, इसके पार्टिकल्स क्या है, करीब करीब भरा हुआ एकदम। ठीक है, तो जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण जब यहां पे पड़ रही है, अगर इस पे हम क्या करें, एक अभिलंब खींच दें, तो ये कौन सा कोण बना रहा है, यहां पे कोण बन नहीं रहा है कि भाई ये कोण कौन सा बना, आई बना, और ये कोण हमारा कौन सा बना, ये कोण हमारा आर, ये हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा है आपतन कोण। ठीक, और ये हमारा कौन सा कोण हुआ, अपवर्तन कोण, यानी कि अपवर्तन के पश्चात जो बना कोण है, ये हमारा वो कोण है। तो इन्हीं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक, जो कि स्थिर रहता है, स्थिर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नियतांक भी बोलते हैं, यानी कि इसका मान चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी डेफिनेशन। चलिए इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी देखते हैं, ताकि आपको अपवर्तनांक आसानी से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है, जो कि आपके अपवर्तनांक समझने के लिए आसान रहेगा, क्वेश्चन है, वायु में किसी
वायु में किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का, यानी आपतन कोण हमारा आई होता है, आपतन कोण आई का मान 37 है तथा कांच में अपवर्तन कोण का मान 24 है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा वायु में है, यानी कि हमारा आई कितना है, हमारा जो साइन आई है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ। ओके अब भाई साइन 37 दिया हुआ है और साइन आर कितना दिया हुआ है, साइन आर हमारा दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब ये हमें पता है, अब हमें ये भी पता है कि अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि स्मॉल एन, जिसको हम लोग अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं, इससे फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्टूडेंट। ओके हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ हमें जो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है, कुछ और करना नहीं है। क्या हो जाएगा, आई की जगह पे साइन 37 अपॉन साइन आर का मान कितना है 24, साइन आर यानी कि 24 है। ठीक है, अब हमें ऐसे तो इसका जो मान है, हम जे आर सारणी यानी कि कोड जिसमें उसमें क्या होते हैं मान दिए रहते हैं, हमें ऐसे साइन 30 का, साइन 45 का, तो साइन 0 का मान पता होता है, लेकिन जब उसके बीच की वैल्यू होती है जैसे साइन 21 उसका मान नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड की सारणी देखते हैं और उसमें से हम उसका मान निकाल लेते हैं। तो जो साइन 37 का मान होता है, आप इसको लिख लीजिएगा, साइन 37 का मान होता है 0.60। ओके स्टूडेंट, और जो साइन किसका है 24 है, साइन 24 का जो मान होता है वो हमारा होता है 0.40। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ हम क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है, साइन जो 37 हमारा क्या हो जाएगा 0.60 हो जाएगा अपॉन 0.40 हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, काट पीट के आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 1.50। ये हमारा किसका मान है, ये हमारा कांच का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक यानी n का मान है, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो और एक क्वेश्चन। हम अपनी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई अच्छे से करें। ओके स्टूडेंट, बाय।